भविष्य पुराण में भी क्या बताया, भविष्य पुराण में भी है ना, बारह पुराण भविष्य पुराण में, ये बारह वन भविष्य पुराण में, बारह वन विष्णु पुराण में, ऐसे करके चार पुराणों में व्याख्या है। तो अब ब्रजमंडल परिक्रमा का नियम, अब ब्रजमंडल परिक्रमा इसमें शुरू हो रहा है। अब तक क्या बता रहे थे, महिमा, अब ब्रजमंडल परिक्रमा इसमें शुरू होगा, तो उसका नियम बता रहे हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए संकल्प ग्रहण करना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा कहाँ से शुरू होता है, मथुरा के विश्राम घाट से। मथुरा में विश्राम घाट में जाके संकल्प करना चाहिए चाहिए कि इतने दिन तक हम कहीं नहीं जाएंगे, समस्त ब्रजमंडल के वैष्णव के साथ मिलके हम परिक्रमा करेंगे। और ऐसे करके पर किसके साथ संकल्प करना चाहिए, तो बता रहे शास्त्रज्ञ, सदाचारी, दयालु, निर्मत्सर, तत्वज्ञ, निर्लोभी, भजन परायण वैष्णव भक्त या तीर्थ गुरु या ब्रजवासी पुरोहित के द्वारा संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हर किसी से संकल्प ग्रहण नहीं करना चाहिए। संकल्प ग्रहण करने से क्या होता है, भक्ति नष्ट हो जाता है, नरक चले जाते हैं। इसलिए संकल्प ग्रहण हर किसी से नहीं कराना चाहिए। किन लोगों से कराना चाहिए यहाँ बता रहे, कौन कौन से लोग बताया, शास्त्रज्ञ, सदाचारी, दयालु, निर्मत्सर। दयालु भी होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए उनके अंदर, तत्वज्ञ होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, ये सब गुण होना चाहिए जो संकल्प करेगा। समझ में आया, जो कराएंगे हमसे संकल्प उनके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए, या भजन परायण वैष्णव होना चाहिए। किसी भी प्रकार का सांसारिक भगवान का लोभ हो तो अलग बात है, उसको लोभ ही नहीं कहते। जिसका भगवान का लोभ होता है, भगवान की सेवा का लोभ होता है, उसको लोभ ही नहीं कहा जाता। एक लोभी है अपने संसार के लिए, एक लोभी है भगवान के लिए। तो जो भगवान के लिए लोभी होता है उसको लोभी कहा जाएगा, उसको नहीं कहते। एक कामी है संसार के लिए, एक कामी है भगवान के लिए। भगवान के लिए जो कामना करता है, वासना करता है सेवा की, तो वो दोष युक्त थोड़ी है, वो दोष नहीं है। अपने लिए जो किया जाता है उसको काम कहते हैं, और जो भगवान के लिए किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, बताया था ना, आत्म इच्छा पूर्ण करे तारे बोले काम। तो अपना आत्मतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि के लिए हम जो करते हैं उसको काम कहते हैं, वो दोष है। पर कृष्ण के संतुष्टि के लिए होता है तो वो दोष नहीं है, वो क्या है, प्रेम है। तो इसलिए अगर कोई लोभी दिख भी रहा है तो उसका किस चीज़ के प्रति लोभ है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव भी बहुत लोभी होते हैं। समझ में आया, वैष्णव लोग बल्कि ज़्यादा लोभी होता है, वैष्णव लोग बल्कि ज़्यादा कामी होता है। कैसे, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण प्राप्ति की कामना है ना। संसार के लोग क्या करेगा, कामना तुच्छ कामना करता है। क्या कामना करता है, तुच्छ कामना संसार के लोग। पर वैष्णव लोग महाकामना करता है, महान कामना नहीं करता, कृष्ण प्राप्ति की कामना करते हैं। तो उनके अंदर कितनी बड़ी कामना है वो, जो संसार के लोग सोच भी नहीं सकता उस विषय में, सोच सकता है। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा वो किस प्रकार की लोभी है। समझ में आया, अगर इस प्रकार का लोभी मतलब संसार के लोभ को लोभ कहा, भगवान के लिए लोभ करना लोभ नहीं होता, ये समझना चाहिए, नहीं तो अपराध होगा।
वैष्णव लोगों को भी देखेंगे, वो लोग भी ऐसे ही कर रहा है, हम विचार नहीं कर पाएंगे वो किस चीज़ के लिए लोभी लोभ कर रहा है, तो फिर अपराध होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए भक्त वैष्णव भक्त भजन परायण वैष्णव भक्त या तीर्थ गुरु या ब्रजवासी से क्या करना चाहिए? संकल्प ग्रहण करना चाहिए और फिर परिक्रमा आरंभ करें। परिक्रमा के समय निम्नलिखित विधि निषेधों का यथा साध्य पालन करना चाहिए। विधि और निषेध बताया, उसका यथा साध्य पालन करना चाहिए। परिक्रमा के समय सत्य बोलना, परिक्रमा करते समय क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं। वो झूठ बोलने से परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना, ब्रह्मचारी धारण करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, यथासंभव कहा ना, पृथ्वी पर शयन करना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, तीर्थों में स्नान करना, आचमन करना, भगवत निवेदित महाप्रसाद का सेवन करना, तुलसी माला पर ही हरिनाम करना, वैष्णवों के साथ हरिनाम कीर्तन करना चाहिए या वैष्णव के साथ हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। परिक्रमा के समय मार्ग में स्थित ब्राह्मण श्री मूर्ति तीर्थ और भगवत लीला स्थलियों का विधि पूर्वक सम्मान करेंगे। विधि पूर्वक सम्मान मतलब वहाँ जाके दक्षिणा इत्यादि भी देना चाहिए यथासंभव, जिसके जैसा सामर्थ्य है। इसलिए तीर्थ के पुजारियों को जो होते हैं मंदिरों में, उनमें स्वाभाविक थोड़ा बहुत अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा मतलब सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा करें। अब निषेध का बताया, ये तो बताया क्या करना चाहिए, अब बताया क्या करना नहीं चाहिए। तो बता रहे क्रोध नहीं करना चाहिए परिक्रमा के पथ में, वृक्ष लता फटाफट हरे कृष्णा, क्या बताया था? क्रोध नहीं करना चाहिए परिक्रमा के समय, लता पता वृक्ष गुल्म आदि को छेड़ना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? ब्रज में जो लता पता है वृक्ष है, उन लोगों को छेड़ के बहुत लोग दातुन करता है, तोड़ लाता है या बिना मतलब में ही तोड़ देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? एक समय ब्रज में जो प्रत्येक वृक्ष होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते, वो ऋषि वर्ग होते हैं, भजन करते हैं या तो भजन करते हैं या वो लोग नित्य सिद्ध है, ऐसा होता है। ब्रज में जो पेड़ पौधे होते हैं वो साधारण लोग नहीं होता, क्योंकि एक समय हमारे गुरुजी जब कार्तिक का परिक्रमा कर रहे थे तो एक बंगाली भक्त थे, एक पेड़ के नीचे रोज अशौच करके आ जाता था और उसके डंडी तोड़ के मंजन भी करता था। तो यह हमारे गुरुजी के उसमें और भागवत पत्रिका है ना, उसमें लिखा है। तो ये कौन बता रहे हैं? एक हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा बात हुआ। तो महाराज जी का नाम है परिव्राजक महाराज, अभी भी है महाराज जी हमारे। तो परिक्रमा चल रही थी, परिक्रमा चलते चलते एक व्यक्ति ऐसा करता था, दो दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, जब तब गुरु जी को आके सपने में वो पेड़ आके कहा, तुम्हारा शिष्य आके हमारे यहाँ अशौच कर जाता है, उसको मना कर देना। नहीं समझ में आया?
बोलते हम लोग यहाँ भजन करते हैं और वो ऐसा कर जाता है, बताओ, ऐसे कहा। फिर उसके बाद हमारे गुरुजी ने उनको बुलाया, नाम भी बताया उनका, नहीं समझ में आया, उनको बुलाया और बुला के कहा तुम ऐसा करते हो भाई, ऐसा नहीं करना, ऐसा कहा। ये ब्रज में समस्त चीज क्या है, नित्य है, चिन्मय है, या तो भजन कर रहे होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना, अपराध होगा भयंकर, ऐसा कहा। तब से वो हाथ पैर जोड़ के पेड़ में माफी मांग के फिर उधर नहीं जाता है। नहीं समझ में आया। फिर गुरुजी ने बताया सबको कि कोई भी लता पत्ता किसी को भी छेड़ना नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं गुल्म लता आदि किसी को भी छेड़ना नहीं चाहिए परिक्रमा के समय। वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव आदि श्री मूर्तियों का आदर नहीं करना, जैसे ब्राह्मण वैष्णव आदि तथा श्री मूर्तियों का अनादर करना, अनादर नहीं करना, अनादर नहीं करना चाहिए। और साबुन तेल छोर कार्य का वर्जन करना चाहिए। साबुन तेल छोर मतलब बाल कटिंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। चींटी हत्या आदि जीव हिंसा से बचना चाहिए, पैरों में कोई चींटी ना आ जाए देखना चाहिए, यथासंभव तो बचना चाहिए। पर निंदा परचर्चा और कलह से सदा ही बचना चाहिए। पर निंदा परचर्चा और कलह से सदा बचना चाहिए, ये निषेध है। विधि क्या है, ये सब करना है जो ऊपर पहले बताया, और निषेध क्या है, ये सब नहीं करना परिक्रमा के समय। गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रजमंडल का अनुसरण करते हैं समस्त गौड़ीय वैष्णव। महाप्रभु जिस समय परिक्रमा किया उसी समय का अनुसरण करते हैं, समझ में आया। इसके अनुसार कुछ लोग आसीन माह में विजया दशमी के पश्चात शरद काल के परिक्रमा आरंभ करते, शरद काल से परिक्रमा आरंभ करते हैं। आसीन दशमी मतलब विजया दशमी होता है ना, उस दिन से परिक्रमा करते हैं कुछ लोग। और क्योंकि चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्रीमन महाप्रभु नीलांचल धाम से ब्रजमंडल दर्शन करने के लिए इसी समय पधारे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु किस समय आए थे, इसी समय आए थे। किस समय, ये विजयादशमी इत्यादि के समय आए थे। कुछ गौड़ीय वैष्णवगण आसीन शुक्ल एकादशी से कार्तिक व्रत नियम सेवा दिन से ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ करते हैं। कुछ गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं, आसीन के जो एकादशी तिथि होती है उस दिन से शुरू करते हैं, आश्विन की एकादशी मतलब कार्तिक के 15 दिन पहले, समझ में आया। हमारा भी कार्तिक से 15 दिन पहले परिक्रमा शुरू होता है। हैप्पी की आने की इच्छा नहीं कर रहा था, हाथ पकड़ के लाया। हाँ, तुमने देखा क्या नहीं? तो हाँ, ये नहीं है ना, मैंने तो बना नहीं दिया। तो क्या करते हैं, आसिन शुक्ल एकादशी तिथि से परिक्रमा शुरू करते हैं। आसीन शुक्ल एकादशी तिथि मतलब ओ अंधेर उजाले के समय, शुक्ल एकादशी तिथि उजाले के समय, शरद पूर्णिमा से 15 दिन पहले, नहीं शरद पूर्णिमा कार्तिक में शुरू होता है। तुम चुप रहो, पहले समझा करो मैं क्या बोलूँ।
वो होता है। समझो क्या, आसीन, आसीन के बाद कार्तिक आता है ना। हाँ, तो शुक्ल पक्ष मतलब होता है चंद्रमा का रोशनी, जिस समय मतलब अमावस्या के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। समझ में आया, शुक्ल पक्ष का 15 दिन होता है। हाँ, उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद तो दशहरा के 5-6 दिन बाद आता है। उसके एकादशी से शुरू करते हैं, ठीक है ना, आसीन मास के शुक्ल एकादशी, कार्तिक व्रत नियम सेवा। हाँ, दिन से ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ करते हैं, तथा कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी को व्रत समापन करते हैं। जब कार्तिक का फिर शुक्ल आता है, देवोत्थान एकादशी के बाद व्रत समापन करते हैं। अधिकांश गौड़िया वैष्णव शरदीय पूर्णिमा के दिन ही व्रत शुरू करते हैं, पर अधिकांश गौड़िया वैष्णव लोग कार्तिक के एकादशी से नहीं, कौन से दिन से शुरू करते हैं, पूर्णिमा से शुरू करते हैं। मतलब कार्तिक के पूर्णिमा, आसीन मास से नहीं, कार्तिक के पूर्णिमा से शुरू करते हैं। समझ में आ गया, तो कार्तिक के पूर्णिमा से शुरू करते हैं। पूर्णिमा के दिन छौर आदि कार्य समापन कर उसी दिन से कार्तिक व्रत नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन एवं ब्रजमंडल परिक्रमा संकल्प ग्रहण करते हैं। कुछ लोग किस समय, अधिकांश जो गौड़िया वैष्णव है वो किस समय करते हैं, पूर्णिमा से करते हैं। पर महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस समय आए थे, दशमी, विजयादशमी, दशमी के बाद एकादशी के लगभग महाप्रभु वृंदावन में पधारे थे। समझ में आया, तो वही पूर्णिमा के आसपास हो गया ना, वो आसपास 3-4 दिन का इधर उधर है। हम गौड़िया वैष्णव लोग इसलिए पूर्णिमा से करते हैं क्योंकि उनमें छोर इत्यादि गंजा पंजा होना ये सब कर लेंगे, उसके बाद बाल काटेंगे। समझ में आया, नहीं काटते हम लोग, 2-2 महीने के व्रत करते हैं इसलिए। समझ में आया कि नहीं, ऐसा भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने किया था इसलिए करते हैं। क्या समझ में आया, कार्तिक में बाल नहीं काटना चाहिए, इस कान में हमेशा ही चिकना रहता है, वो लोग नहीं मानता। नहीं समझ में आया, वो लोग नहीं मानता। ऊर्जा व्रत का पालन एवं ब्रजमंडल परिक्रमा संकल्प ग्रहण करते हैं, तथा देवोत्थान एकादशी के पश्चात पूर्णिमा के दिन कार्तिक व्रत एवं ब्रजमंडल परिक्रमा समापन करते हैं। ऐसा 1 महीना का होता है। अब यहाँ पे बता रहे निम्बा, श्री निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव गण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात आने वाली एकादशी में, एकादशी से ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग, निम्बार्क संप्रदाय। कौन से समय में लोग ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू करते हैं, जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आता है उससे लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। जन्माष्टमी हो गया, अगले दिन नौमी, फिर दसवीं एकादशी। समझ में आ गया, और इनकी परिक्रमा लगभग 1.5 माह का होता है, मतलब 45 दिन का। समझ में आया, इनकी परिक्रमा होती है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवगण राधाष्टमी के पश्चात दशमी या एकादशी से ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ करते हैं। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय जिसे कहते हैं, वो लोग राधाष्टमी के बाद जो एकादशी आती है उसमें ये लोग शुरू करते हैं परिक्रमा। इनकी परिक्रमा लगभग 2 महीने का होता है। कितने महीने का, 2 महीने। पर हमारा भी परिक्रमा 1.5 महीना का होता है।
यहाँ गलत लिखा है, गुरुजी जानते नहीं थे इसलिए गलत लिख दिया यहाँ। नहीं, आप पहले 45 दिन बता रहे थे। निम्बार्क बालों का बताया, पुष्टि मार्ग का बताया, 2 महीना का। समझते तो हो नहीं, बीच में बोल पड़ते। तो पुष्टि मार्ग का कितने दिन होता है? 2 महीनों का होता है, 2 महीनों में समापन करते हैं ये लोग। इसी प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा निम्नलिखित स्थानों का पर्याय अनुसार। अब यहाँ पे बहुत सारे जगहों का नाम दिया है, सारे पूरा ब्रज 84 कोशों का नाम दिया है एक एक करके। ये बोल पाना असंभव है, कथा आएगी धीरे धीरे वो सुनते जाएंगे। तो मथुरा का महत्व है भूखंड में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारिकावती, ये मोक्ष को प्रदान करने वाली सप्तपुरियां हैं। सातपुरी है, सातपुरी किसको कहते हैं? जितने भी तीर्थ हैं उनको पुरी कहते हैं। समझ में आया? सप्तपुरी में कौन कौन सा आता है? सप्तपुरी भूलोक चक्रे सप्त पूर्वो भवन्ति तासाम मध्ये साक्षात् ब्रह्म गोपाल पुरीति चक्रेण रक्षिता ही वै मथुरेति। गोपाल तापनी उपनिषद में ऐसा लिखा है। ये कौन से श्लोक है? गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक है। तो ये उपनिषद होता है वेद। उपनिषद किसको कहते हैं? वेद को। वेद का पर्यायवाचिक शब्द जो है वो उपनिषद है। क्या है? मतलब वेद को समझने के लिए उपनिषद पढ़ना पड़ता है। वेद का सार जो है वो उपनिषद है। वेद में जो समझ में ना आए वो उपनिषद को लिखा है, इसलिए उपनिषद को समझा जाए, उपनिषद से वेद को समझा जाए। तो इसलिए उपनिषद है ये। क्या है? क्या नाम है? गोपाल तापनी उपनिषद। उपनिषद को मायावादी भी मानता है। समझ में आया? वेद मायावादी मानता है ना, उसी प्रकार उपनिषद को भी मायावादी मानते हैं और गीता को भी मानते हैं मायावादी लोग। पुराणों को नहीं मानता वो लोग। समझ में आया? तो मायावादी का ऐसा उनका सिद्धांत है। आजकल तो लोग मायावादी सिद्धांत भी जानता नहीं, मायावादी अपना ही सिद्धांत नहीं जानता। मायावादी खुद का अपना ही अस्तित्व नहीं जानता, क्या है क्या नहीं, ऐसा है। समझ में आया? तो इसी प्रकार गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, क्या लिखा है? भूलोक चक्रे, भूमंडल चक्र मतलब गोलाकार मंडल है ना, तो भूमंडल में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारिकावती, ये मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियां हैं। ये कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली सातपुरी है। किंतु इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जन्मस्थली मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है। इन सभी पुरियों में मथुरापुरी श्रेष्ठ है। यह केवल मोक्ष ही नहीं अपितु भगवत प्रेम भी प्रदान करने वाला है। ये केवल मोक्ष ही नहीं देता, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम भी प्रदान कर देता है। इसलिए माया से संपूर्ण रूप से अतीत सचितानंदमय भगवत धाम है। और क्या कह रहे हैं? चक्रेण रक्षिता ही वै मथुरेति। स्वयं चक्र इसकी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? मथुरा में भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है और वो सुदर्शन चक्र संपूर्ण मथुरा का रक्षा करता है। ऐसा कहाँ लिखा है? गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है। इसलिए कभी भी ये संसार में, सृष्टि में कभी आक्रमण हो जाएगा ना, सब लोग मथुरा में जाके मरना, अगर यहाँ पे कोई बम फेंकने लगे
जैसे वहाँ बम चल रहा है ना आजकल, कौन से शहर में युद्ध हो रहा है, क्या नाम, इजराइल में, हाँ वहाँ जो युद्ध चल रहा है सब बम मार रहे हैं, तो यहाँ का भी मारेगा ना, मथुरा में जाके छुप जाना। नहीं समझ में आया, मथुरा में बम गिरेगा नहीं मारने से भी, क्योंकि वहाँ सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। समझ में आया? तो इसलिए प्रलय आदि विकारों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रलय होने से भी मथुरापुरी नष्ट नहीं होता, प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ब्रह्मा मर जाते हैं पर मथुरा धाम नष्ट नहीं होता। इसलिए बैकुंठ की तो बात ही क्या, पट महिषियों से सुशोभित द्वारिकापुरी से भी ये धाम श्रेष्ठ है मथुरापुरी, बैकुंठ की तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तक कि द्वारिका से भी ये धाम प्रशंसनीय है। इस मथुरापुरी का कभी भी विनाश नहीं है, इस मथुरापुरी का कभी विनाश नहीं है। सतयुग से प्रारंभ बालक ध्रुव एवं देवऋषि नारद का यहीं पर मिलन हुआ था, सबसे पहले ध्रुव और नारद जी का जो मिलन हुआ था मथुरा में ही हुआ था, हाँ मथुरा में हुआ था, और यहीं यमुना के ध्रुव घाट पर यमुना में स्नान करके बालक ध्रुव ने मंत्र दीक्षा, नारद जी से भगवत मंत्र दीक्षा ग्रहण किया था। ध्रुव घाट है मथुरा में, कभी गई? नहीं गई। ध्रुव घाट में शमशान घाट है, वहाँ ध्रुव घाट के पास ही वहाँ मुर्दे जलाते हैं अब तो, समझ में आया, क्योंकि कंस को कृष्ण ने वहीं जलाया था मार के, इस तब से सब लोग वहीं जलाते, सभी मुर्दा वहीं जलता है। और पास ही मधुबन है, ध्रुव जी ने ध्रुव घाट में स्नान करके मंत्र दीक्षा ग्रहण करके मधुबन में जाके महोली में भगवत आराधना कर सिद्धि प्राप्त किया था। मथुरा में महोली है, मधुबन है, मधुबन गई नहीं है? महोली, समझ में आया? तो वहां पे भगवत आराधना, वहां टीला है एक, और टीला के ऊपर वहां आराधना किया, उसको अमरीश टीला कहते हैं, जहाँ मधुबन में है। हाँ तो मथुरा में ही है, वहीं पे है अमरीश टीला के पास, सुनते नहीं है तुम, बोलते हो बहुत ज्यादा। तो भगवत आराधना कर सिद्धि प्राप्त, तुम गए हो कभी? हाँ तो वही एक ही साथ ही वहीं पे हुआ, चुप ध्रुव जी उधर घाट में तपस्या नहीं किया, अमरीश टीला के पास आके तपस्या, बोलते सुनते नहीं है। मौली भगवत आराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। सतयुग में महाराज अमरीश यहीं पर द्वादशी एकादशी का प्रतिपालन किया। बकवास करवा लो कितनी भी करवा लो, बेइज्जती करवा लेना अच्छे से, सुनता है ही नहीं। सतयुग में महाराज अमरीश यहीं पर द्वादशी व्रत का पालन कर रहे थे, कहां पे, जहां पे ध्रुव जी तपस्या किया, उसी को आज अमरीश टीला भी कहते हैं। कभी गया है परिक्रमा के साथ? मधुबन मथुरा में है, इसको बंद करो।